के टाइम पे आपसे कोई बात करता है कनाडा मूव होने की, तो सबसे पहले जो दिमाग में पहला नाम आता है वो है कैलगरी। और अगर आप कनाडा में और कैलगरी में स्पेशली एज अ स्टूडेंट मूव कर रहे हो, तो दो या तीन ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल है कॉलेजेस के नाम पे, और जिसमें से एक है बो वैली कॉलेज और दूसरा है यूनिवर्सिटी ऑफ लेथब्रिज कैलगरी कैंपस। तो चलिए आज बनाते हैं कैंपस टूर इन्हीं दोनों कॉलेजेस का, और साथ में देते हैं आपको सारी इन्फॉर्मेशन जो आपको चाहिए एज अ न्यू स्टूडेंट। तो इस कॉलेज तक पहुंचने के लिए आपको आना पड़ेगा सिटी हॉल स्टेशन, जहां पे मैं अभी खड़ा हूं, और पीछे मेरे ट्रेन है और सामने रहा हमारा प्यारा बो वैली कॉलेज। तो चलिए अंदर चलते हैं। तो कॉलेज में एंटर करते ही आपको सबसे पहले दिखेगा ऑफिस ऑफ रजिस्ट्रार, एंड उसी के बिल्कुल बगल में है टिम हॉर्टन्स। मेन फ्लोर पे थोड़ा और आगे आते हैं तो हमारा आता है वेलकम सेंटर, और उसी का ही एक पार्ट है लर्नर सक्सेस सर्विसेज। तो ये एक जगह है जहाँ पर आपको न्यू स्टूडेंट सबसे पहले आना है सारी नई इन्फॉर्मेशन ग्रैब करने के लिए। तो मेन फ्लोर पे ही हमारा है बुक स्टोर, जहाँ पे सिर्फ बुक्स ही नहीं, आपको सारी तरह की बो वैली की एक्सेसरीज मिल जाएगी। कपड़ों की क्वालिटी एंड उसके डिज़ाइंस की, तो नो डाउट काफ़ी अच्छी क्वालिटी है, बट अगर बात करते हैं प्राइसेस की, बहुत ही महंगे। ये नॉर्मल से टी शर्ट है $42 की। उसके बाद अगर हम बात करें इस हुडी की, तो काफ़ी अच्छा डिज़ाइन है, मुझे खुद पसंद आया, बट इसका प्राइस है $77। सेम गोज विद द ट्राउजर्स, यहाँ पे कुछ पजामे अवेलेबल है और इसका प्राइस है $54। एंड आगे चलते हैं, अगर इस टी शर्ट की बात करें तो ये थोड़ी मुझे कन्वीनियंट लगी, ये है $20 और डिज़ाइन इज़ नॉट बैड। तो जैसे ही यहाँ फर्स्ट फ्लोर पे आ जाते हैं तो बिल्कुल सामने है SABVC, जो कि है स्टूडेंट एसोसिएशन ऑफ बो वैली कॉलेज। तो जब आपके यहाँ पे ओरिएंटेशन होती है, जो आपका फर्स्ट डे ऑफ कॉलेज होता है, सो दिस इज़ द प्लेस जहाँ पे आपको एक वेलकम किट दी जाती है, जहाँ पे आपको रजिस्टर, पेन, पेंसिल, एक बेसिक सा बैकपैक लगा लो, ये सब दिया जाएगा। और अगर आपको कुछ भी स्टूडेंट रिलेटेड काम है तो दिस इज़ द प्लेस, क्योंकि नाम ही स्टूडेंट एसोसिएशन ऑफ बो वैली कॉलेज है। तो यहाँ पे फर्स्ट फ्लोर पे एक प्रॉपर कैफेटेरिया है, जहाँ पे आपको प्रॉपर खाना मिल जाएगा, बट अभी 3 बज चुके हैं तो ये बंद हो गया है। और उसके साथ ही ये पूरा है सिटिंग एरिया, जहाँ पे आप बैठ के खाना खा सकते हो, अपना लेजर टाइम स्पेंड कर सकते हो, दोस्तों के साथ पढ़ सकते हो। और उसके साथ ही यहाँ पर एक है मिनी फ्रिज, जो आप यूज़ कर सकते हो, बस आपको ये सेटअप करना है सारे स्टेप्स करके। और यहाँ पर है माइक्रोवेव्स, और ये बहुत ही फन प्लेस है, मोस्टली खाली रहती है, अपना बैठ के टाइम स्पेंड करो। तो ये मेरे पीछे है सेंटर ऑफ एंटरटेनमेंट आर्ट्स, अगर आपका कोर्स VFX एनिमेशन इनसे रिगार्डिंग होने वाला है तो ये आपका क्लासरूम होने वाला है। आप ये अंदर नहीं जा सकते क्योंकि 3 बज चुके हैं, बट इन्होंने विजुअली बहुत ही ज़्यादा फीलिंग बना रही है। सो अभी मैं आ चुका हूँ 4th फ्लोर पे, और यहाँ पे हर फ्लोर के ऊपर क्लासरूम्स एंड लॉकर एरिया दोनों बने हुए हैं। तो क्लासरूम्स कुछ ऐसे दिखने वाले हैं, ऑलमोस्ट सारे क्लासरूम एक तरह के ही हैं। तो इस कॉलेज के अंदर आपको हर फ्लोर के ऊपर ऐसे कुछ प्रोजेक्ट रूम्स मिल जाएंगे, जिन्हें आप बुक कर सकते हो फ्री ऑफ कॉस्ट, और जो टाइम पे आपने इसको रिजर्व किया है उस टाइम के अंदर यहाँ पे कोई भी नहीं आ सकता। तो आप यहाँ के आके पढ़ो, अपने प्रोजेक्ट्स बनाओ, सामने स्क्रीन का एक्सेस आपको मिल जाता है, कोई आपको कंप्यूटर के ऊपर प्रोजेक्ट बनाना है वो बना सकते हो, वाइट बोर्ड है,
सो दिस इज़ योर एरिया अगर आपको कुछ मिलके ग्रुप में काम करना है। तो अब बात करते हैं यूनिवर्सिटी ऑफ लेथब्रिज कैलगरी कैंपस की, क्योंकि मैं खुद इस यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट हूँ। तो बो वैली कॉलेज के जैसे ही 6th फ्लोर के ऊपर आप आते हो तो सामने ही आपका है यूनिवर्सिटी ऑफ लेथब्रिज कैलगरी कैंपस का ऑफिस। अभी यहाँ पे जाके आप कोई भी यूनिवर्सिटी की रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हो। हमारे पास भी कुछ यहाँ पे अपनी यूनिवर्सिटीज़ के मर्चेंडाइज़ अवेलेबल है। यहाँ पे सामने इन्होंने थोड़ा गेमिंग एरिया भी बनाया हुआ है। सो अगर बात करते हैं यूनिवर्सिटी ऑफ लेथब्रिज के मेन कैंपस की, तो वो लोकेटेड है लेथब्रिज सिटी में, जो कैलगरी से लगभग 2 घंटे की ड्राइव पर है। बट इन्होंने एक अपना सैटेलाइट कैंपस बनाया हुआ है जो कैलगरी में अवेलेबल है। एंड ये कैंपस बो वैली के अंदर ही लोकेटेड है, क्योंकि जब मैं यहाँ पे आ रहा था मुझे इस रिगार्डिंग कोई इन्फॉर्मेशन नहीं थी, तो मैं बहुत कंफ्यूज था। तो मैं ये डाउट आपका क्लियर कर देता हूँ, ये बो वैली कॉलेज के अंदर ही लोकेटेड है एंड आपकी जो क्लासेस होंगी वो बो वैली कॉलेज के अंदर ही होने वाली है, नॉट स्पेशली 6th फ्लोर पर ही, किसी भी फ्लोर पर हो सकती है। बट ये रहा हमारे यूनिवर्सिटी का ऑफिस। अभी जो मैंने आपको कैंपस टूर दिखाया वो था साउथ कैंपस, और हमारा एक और कैंपस है नॉर्थ कैंपस, तो चलो उसका टूर देते हैं। वैसे तो बो वैली का एक वेस्ट कैंपस भी है जो कि वो सामने रहा, बट वहाँ पे ना हमारी क्लासेस होती है ना कभी जाना हुआ, तो उसको हम फिलहाल स्किप कर देंगे। बाकी चलते हैं नॉर्थ कैंपस में, और ये है फेमस रेनबो ब्रिज जो कि एक स्काई वॉक है जो कि दोनों कैंपसेस को कनेक्ट करता है। सो Here is the North Campus and ये रहा South Campus। तो North Campus के 5th फ्लोर पे यहाँ पे located है Flex Class, जो कि एक flexible classroom है। अगर आपको क्लास में कुछ समझ नहीं आता तो आप प्रोफेसर से अपॉइंटमेंट लेके यहाँ पर आ सकते हैं और वो टॉपिक आपको प्रोफेसर दोबारा से समझाने वाला है। तो अब लेके चलते हैं आपको बो वैली कॉलेज की लाइब्रेरी में। अगर आप एक हेल्दी लाइफस्टाइल फॉलो करते हैं और आप बैठे बैठे पढ़ने से बोर हो चुके हैं, तो यहाँ पर एक और ऑप्शन अवेलेबल है जो कि है ट्रेडमिल विद अ डेस्क। यहाँ पर आप कुछ भी चलते चलते अपना काम कर सकते हैं, बुक्स पढ़ सकते हैं विद अ व्यू। और अगर आप उनमें से हैं जिनको लाइब्रेरी में बैठ के डिस्ट्रैक्शन होती है, 10 बंदों के बीच में आप बैठ के पढ़ नहीं सकते, तो आपको एक ऑप्शन दिखा दो। तो ये है स्टडी पॉड्स, इधर से दिखाइए सर, यहाँ पे अपना सामान लाइए। ये आपकी एक तरह से बख्तर बंद जगह है, यहाँ पे आपको कोई नहीं देख सकता, ना आप किसी को देख सकते हो। जस्ट यहाँ पे आइए, पढ़ाई कीजिए और घर जाइए। तो दोस्तों ये था कैंपस टूर ऑफ बो वैली कॉलेज एंड यूनिवर्सिटी ऑफ लेथब्रिज कैलगरी कैंपस। आई होप मैंने सब कुछ कवर कर दिया हो इस कॉलेज के रिगार्डिंग। बाकी अगर मैंने कुछ मिस कर दिया और आपके कुछ क्वेश्चंस हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में डाल देना, मैं सारे क्वेश्चंस के आंसर करूँगा। एंड थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए। साइनिंग ऑफ।